हाय एवरीवन, मैं हूँ करण सिंह, लीड फैकल्टी एट द वॉल स्ट्रीट स्कूल फॉर फाइनेंस एजुकेशन। आई हैव ऑलवेज एक्सपीरियंस द फैक्ट दैट जनरली स्टूडेंट्स का ये इंटेंशन है कि एफर्ट्स बहुत कम करने पड़े और आउटपुट बहुत अच्छा मिले। आई एम सैडेंड बाय दिस, देख के बहुत दुख होता है कि यार व्हाई आर द स्टूडेंट्स फोकसिंग ऑन द फैक्ट कि यार एफर्ट्स कम करने पड़े, नंबर ऑफ स्टडी आवर्स बहुत कम हो। ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 4, 5, 7 ईयर्स आई हैव मेट ब्रिलियंट कैंडिडेट्स, मतलब कैंडिडेट्स जिनको देख के मुझे लगता है कि ये पर्सन अगर सिर्फ और सिर्फ डिसेंट एफर्ट्स कर देगा तो इसके 90% तो क्रॉस हो ही जाएंगे। ये कोई फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक में तो जॉब कर ही सकता है, कोई दिक्कत है ही नहीं। बट आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आई एम सेल्डम इंस्पायर्ड बाय सीइंग अ ब्रिलियंट माइंड। द रीजन इज दैट आई हैव माई सेल्फ बीन वेरी फॉर्चुनेट टू बी इन अ स्कूल, टू बी इन अ कॉलेज जहाँ पे I have seen IIT के ऑल इंडिया रैंक होल्डर टॉप 10 being in front of me, CLAT और NMAT और CAT के तोड़ 99% वालों को अपने सामने देखा है मैंने। तो ब्रिलियंस इज समथिंग जो मुझे उतना इंस्पायर नहीं करती जितना मुझे हार्डवर्क और रेजिलियंस इंस्पायर करता है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म सक्सेस इज अ फंक्शन ऑफ हाउ रेजिलियंट अ पर्सन इज। इस वजह से जब ये प्लान किया था दैट आई वॉन्ट टू ब्रिंग आउट अ फ्यू स्टोरीज फ्रॉम आर क्लास इटसेल्फ ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव बीन वेरी वेरी रेजिलियंट, हु हैव बीन फोकस्ड, हु हैव डन ब्रिलियंट हार्डवर्क इन द फेस ऑफ डिफीट और इन द फेस ऑफ अटमोस्ट प्रेशर। अंबुज वॉज वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स जो कि मेरे माइंड में था। देर आर मैनी सच नेम्स, आई एम होपफुल दैट आप लोगों के सामने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज लेके आएंगे। कैंडिडेट्स लाइक माधव, विग्नेश, मान्या, देवदीप, अंजनी, एंड आई एम प्रिटी श्योर मैं ऐसे 30, 40, 50 ऑड नाम एटलीस्ट भूल रहा हूँ, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई ट्राई टू ब्रिंग एज मैनी पीपल ऑन बोर्ड एंड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ हार्डवर्क ऑफ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन जस्ट इन ऑर्डर टू इंस्पायर यू ऑल। द इंटेंट इज वेरी वेरी सिंपल। मेरा ये मानना है कि अगर आप बहुत ब्रिलियंट एफर्ट्स करें तो रिगार्डलेस ऑफ योर बैकग्राउंड आप लोगों की CFA की जर्नी बहुत अच्छी हो सकती है। करियर पोस्ट CFA कैन बी ब्रिलियंट। हर वो चीज़ जो आप इमेजिन कर सकते हैं, फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, फ्रंट एंड वैल्यूएशंस, PE फंड्स, दिस दैट, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट इफ़ यू वॉन्ट सच थिंग्स तो ये मत बोलो कि यार क्या सिर्फ और सिर्फ कोई क्रैश कोर्स की वीडियो देखने से हो जाएगा क्या, फ्रेजर को याद कर ले तो हो जाएगा क्या। कॉन्सेप्चुअली पढ़ना अवॉइड ना करें। दैट इज द अंडरलाइन थीम ऑफ व्हाई आई एम जस्ट क्रिएटिंग दिस वीडियो सीरीज ऑनेस्टली। अंबुज इज वन सच स्टोरी। बिफोर आई हैंड इट ओवर टू हिम लेट मी गिव यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड। ही इज वन ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु हैज हैड अ वेरी डिसेंट रन ओवर द कोर्स ऑफ हिज 10th 12th अंडर ग्रेजुएशन, बट नथिंग ऑफ द सॉर्ट कि हाँ जी स्टैनफर्ड और LBS और ऐसे कॉलेजेस के ऐसा नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट 12th क्लास में मैथमेटिक्स नहीं थी कैंडिडेट के पास एंड ही हैज वेंट ऑन टू मतलब किल Level 1 एंड Level 2, हैव एब्सोल्युटली सुपर ऑसम रिजल्ट्स एट बोथ द लेवल्स एंड इट डजंट सरप्राइज मी वन बिट। मतलब ऐसे कैंडिडेट्स के रिजल्ट अगर ब्रिलियंट ना आए तो मतलब प्रॉब्ली आई स्टॉप टीचिंग। मैं मुझे ऐसा लगेगा अगर ऐसे कैंडिडेट्स के मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ सकते मुझसे पढ़ के तो पढ़ाने का ही फायदा नहीं है, ठीक है ना, प्लेन एंड सिंपल। अंबुज इज वन ऑफ दोज कैंडिडेट्स जब इनका रिजल्ट आने वाला था तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। दूसरों के रिजल्ट में भी रहता है बट इनके केस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था बिकॉज मुझे लगता था कि मैं हर वो चीज़ जो कहता हूँ पढ़ने के लिए इसने हर वो चीज़ तो की हुई है। इफ इन दिस सिनेरियो ही बाई एनी चांस 0.01% चांस इफ ही डजंट गेट थ्रू देन वॉट विल बी माई आंसर कि यार तुम्हें क्या बेहतर करना चाहिए था। इनफैक्ट आई विल गो टू द एक्सटेंट टू से कि हैड ही नॉट क्लियर द एग्जाम इट वुड नॉट हैव बीन हिज फॉल्ट, इट वुड हैव बीन माई फॉल्ट एट सम पॉइंट, ठीक है ना। इट वुड ही डिड एवरीथिंग दैट ही कुड। तो विदाउट फर्दर अडू आई विल पास इट ऑन टू हिम। अंबुज अपना ब्रीफ बैकग्राउंड बताओ, 10th 12th अंडर ग्रेजुएशन बिफोर CFA की क्या जर्नी थी वो बताइए, क्विक एंड क्रिस्प। हैप्पी टू लिसन टू यू।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। जितना भी सर मैंने लेवल वन और लेवल टू में मतलब मैंने क्लियर करा, जितने भी मार्क्स आए, इट्स ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आपके गाइडेंस में जो जो आपने करवाया वो मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करा। सर उसके साथ स्टार्ट विद माई बी बैकग्राउंड। सर आई हैव लिव्ड ऑल माई लाइफ इन गुड़गांव। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम एमएनटी इंटरनेशनल स्कूल गुड़गांव। उसके बाद मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा है, स्कूल ऑफ ओपन। 10th में कितने मार्क्स थे, क्या कोर्स लिया था, क्या था वो बताओ। सर मैंने 10th में जो मेरा ग्रेड था वो 8.8 था, जब सी जी पी होती थी, जब स्टार्ट ही हुआ था सी जी पी आना। और 12th में सर मेरी जो परसेंटेज थी 83.6 थी सर मैंने। और उसके बाद मैंने अपनी मर्जी से वॉलेंटली मैंने मैथ्स छोड़ दिया था, क्योंकि सर मैं स्पोर्ट्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट था और हमारी कोचिंग क्लास के सेम टाइम पे मैथ्स की ट्यूशन होती थी और बड़ा एफर्ट मुझे लगता था, तो मैं उस पे अपना, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स से डिस्ट्रिक्ट पे और मतलब नेशनल पे भी खेला है, तो मेरा पूरा फोकस था कि मुझे स्पोर्ट्स में ही जाना है। Okay. तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद मैंने 12th के बाद जैसे हर कॉमर्स स्टूडेंट का वो होता है, मैंने CA ज्वाइन कर लिया। और इतना मैं सीरियस नहीं था तब पढ़ाई को लेके, तो हाँ ठीक है। और उसके साथ जो मैंने अपना BCom है वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा, और वहाँ पर मैं 56% थे, बैक भी थी सेकेंड ईयर में एक दो सब्जेक्ट्स में। और उसके बाद सर फिर मैंने और CA? CA तो सर फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि फिर मुझे लगा कि मैं इतना पढ़ लिखा। कौन सा लेवल क्लियर किया था या कुछ भी नहीं किया था? सर बस एक सब्जेक्ट क्लियर करा था मैंने ऑडिट में। उस समय थोड़ा सा ये भी है कि बस मेरे लर्निंग पे नहीं, बट उस समय ना वीडियो लेसन ऐसे मिलते नहीं थे, आपको लाइव क्लास में जाना होता था। और लाइव क्लास में जाने के बाद के कंसंट्रेशन अगर आपका ब्रेक हो जाए ना तो फिर वो सब मिस हो जाता था। अब तो जैसे जब से कोविड हुआ है तो ये वीडियो लेसन जब से आ गए, ये आपको वीडियो लेसन मिल जाएंगे, आप रोक रोक के देख सकते हो, तो ये बहुत हेल्प होती है इस चीज़ से, क्योंकि हर किसी का लर्निंग का जो वो होता है वो सेम नहीं होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो इससे मेरी काफ़ी हेल्प हुई। फिर मैंने कपल ऑफ थिंग्स ट्राई करा, कभी मैंने मार्केटिंग में जॉब करी, फिर मैंने कभी सेल्स का करा, बट इतना मेरे को मज़ा नहीं आया। फिर सर मैंने 2015 में थोड़ा फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशंस के बारे में थोड़ा मेरा इंटरेस्ट पड़ा, मैंने वो देखा, तो मैंने एक छोटी बुटीक इन्वेस्टमेंट फॉर्म है मेरे नोन में किसी की, वो मैंने ज्वाइन कर ली। वहाँ पे मैं वैल्यूएशंस और फाइनेंशियल मॉडलिंग का काम मैंने थोड़ा बहुत सीखा वहाँ पे, और 3 साल वहीं काम करा। फिर सर थोड़ा बहुत वो ये कि मुझे लगा कि थोड़ी मतलब एक्सप्लोर करनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़, तो मैंने MBA में एडमिशन ले लिया MIT में, MIT यूनिवर्सिटी नॉर्मल रेगुलर कॉलेज में। वहाँ से मेरा प्लेसमेंट हो गया ब्लैक रॉक में, और ब्लैक रॉक में जो मुझे वहाँ पे मतलब प्रोफाइल मिला वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ग्रुप में डेरिवेटिव्स की टीम में मैं चला गया। तो वहाँ पे IRAs और CDS मैनेज करते थे, मेरा मन तो इक्विटी साइड था, बट वो उस और उसी समय कोविड भी हो गया था, तो मैंने वहाँ पे 2 साल काम करा। फिर इतना मतलब अच्छा था काम, क्योंकि मतलब BlackRock is the biggest investment management firm all over the world, तो नाम बहुत बड़ा था, बट इतना मुझे मज़ा नहीं आ रहा था काम करने में। और फिर मैंने पता करा CFA के बारे में कि जितने भी, बट इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक्सपोजर बड़ा अच्छा मिलता है, कि आप मतलब जो भी वहाँ पे जो मतलब 17,000 एम्प्लॉयज हैं, तो सबसे ऊपर जो को पता होगा कि CFA का क्या वैल्यू है। तो मैंने वो ये कि जो ग्लोबली पूरा एसेट मैनेजमेंट ग्रुप हैंडल कर रहे हैं CFA कर रहे हैं, मैंने एक्सप्लोर करा। और कोर्स मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो दो रीजंस, पहले तो एक तो मुझे लगा प्रोफाइल बेटर करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबका वही रीज़न होता है कि मैं एकदम से मैं भी कर लूँगा तो मुझे एकदम मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाऊँगा मैं एकदम फ्रंट एंड। और दूसरा कि मुझे पढ़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो फिर मैंने सर लेवल वन में एनरोल कर लिया अपना, और वही वॉल स्ट्रीट स्कूल में मैंने उसमें। और सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ था कि जो पढ़ाई इतनी मुझे अच्छा मज़ा आ रहा था, बस इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं भूल ही गया था वैसे तो मैं ये कोर्स कर क्यों ना, बट इंटरेस्टिंग लगा क्लासेस के साथ करना, फिर तो वो मैंने करा, और साथ ही साथ फिर अपना काम भी करता था। फिर उसके बाद मैं SNP ऑस्ट्रा, तो ऑस्ट्रा एक SNP का ही इंटरप्राइज है, वहाँ मैंने शिफ्ट कर लिया था, वहाँ मैंने 1.5 साल काम करा, और साथ में लेवल वन और लेवल टू दोनों क्लियर कर लिया। जुलाई इसी 2023 के जुलाई में रिजल्ट आया था। फिर उसके बाद सर मुझे लगा कि थोड़ा मुझे अपने मॉडलिंग की जो स्किल्स हैं वो और बेटर करने चाहिए, तो मैंने एक मॉडलिंग का जो कोर्स है वो एनरोल करा, तो उसमें मैंने वैल्यूएशन और सीखा। और दिसंबर मैंने ना जॉब छोड़ दी थी,
क्योंकि मैं चाह रहा था मैं अपनी जल्दी से मॉडलिंग को और अच्छे से फिनिश करके एक नई जॉब करूं, और उसके बाद अभी मैंने एक फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन और की जॉब ज्वाइन करी है रिसेंटली यूवी कैपिटल में। वंडरफुल वंडरफुल। अब मुझे एक बात बताओ, दो चार चीजें पूछनी है। पहला, आपने बोला आपने मैथ्स नहीं लिया हुआ था सीएफए, सॉरी 11-12 में आपके पास मैथ्स नहीं था। लेवल वन में या लेवल टू में कॉन्ट्स में डिफिकल्टी नहीं गई? लेवल टू का कॉन्ट्स तो बहुत डिफिकल्ट है। नहीं सर, ऐसा कुछ 11-12 वाली मैथ्स का कुछ है ही नहीं उसमें। आपका बस अर्थमेटिक स्ट्रांग होना चाहिए, जो 10th तक तो मैंने पढ़ाई ढंग से ही करी थी, और आपके डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन और इसके बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए तो हो जाएगा। और वैसे भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप उसको बिल्कुल एज अ न्यूबी भी ज्वाइन करोगे, बस आप जो कोर्स में उसको आप करो तो हो जाएगा, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। ओके, और आपका सीएफए करने का स्पेसिफिक रीजन क्या था भाई? तुम एमबीए कर मतलब इनफैक्ट देखूं तो तुमने सीए स्टार्ट किया, फिर मार्केटिंग की जॉब की, फिर एनी विच वेज फाइनेंस थोड़ा बहुत देख चुके थे, तो मॉडलिंग वगैरह में थोड़ा बहुत तो चीजें आई गई होंगी, फिर एमबीए कर लिया, तो अब तो सेट हो गया, उसके बाद क्यों करनी सीएफए? सीएफए तो मैंने सबसे पहले इसलिए करा था कि मुझे जॉब अच्छी मिले, टू बी ऑनेस्ट, कि सबका यही सपना होता है। बट एक्चुअली उससे ज्यादा फिर बाद में लेवल वन करने के बाद पढ़ाई भी काफी अच्छी लगने लगी। बट हाँ, ऑलमोस्ट जो मेरा रीजन है वो तो हर किसी का ये होता है कि अच्छा प्रोफाइल मिले और बेटर जॉब मिले, बेटर प्रोफाइल मिले, बेटर मनी, और यही सबका। बट बाद में बहुत सारी चीजें और भी समझ में आई कि इतना प्लेन एंड सिंपल नहीं है ये एकदम। बट हाँ, ओरिजिनल रीजन तो मेरा यही था। ओके, इनफैक्ट मैंने यहाँ पे एक मोमेंट लेता हूँ, मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ। गॉड्स ग्रेस, अंबुज लैंडेड अप इन दिस जॉब प्रिटी रिसेंटली, ठीक है, लाइक अ वीक और समथिंग, मतलब अ वीक बैक और समथिंग, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, ही कॉल्ड मी अप, सेड सर सो दिस वर्कड आउट एंड आई लैंडेड अप इन दिस जॉब फ्रंट एंड, आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। सो उसने ना ऐसे खुशी खुशी में उसके साथ बोला, ही सेड कि सर लाइफ में पहली बार मैं अपने पसंद का काम करने वाला हूँ, दिस इज वॉट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू, एंड आई करेक्टेड हिम, आई सेड एक चीज भूल रहे हो तुम, मेरे हिसाब से तुमने लाइफ में पहली बार 100% अपने एफर्ट्स दिए, तुम इससे पहले जिस लेवल पे परफॉर्म कर रहे थे ना, इट वॉज नॉट योर लेवल। मतलब आई टेल यू समथिंग, मुझे व्हेन आई वाज टीचिंग अंबुज, मुझे उस टाइम पे नहीं पता था दैट ही इज अ कैंडिडेट जिनका चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं क्लियर हुआ है, या लेट्स से 12th में साथ में मैथ्स नहीं थी, मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी। इनफैक्ट अगर कोई मुझे कहता तो मैं मानता ही नहीं, मुझे लगता अरे तो ज़बरदस्त कैंडिडेट है, खूब हार्डवर्क करता है, तो जो एग्जाम दे आज सीए दे तो मुझे लगता है आज क्लियर हो जाएगा, आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे अंबुज जी, ठीक है ना, मुझे आज जेनविनली ये चीज़ लगती है। बट मुझे नहीं पता था कि ही इज़ अ कैंडिडेट हु हैज स्ट्रगल्ड इन द पास्ट। बट वो बात बहुत सिंपल है जो मैं हमेशा कहते आता हूँ कि इफ़ यू हैव नॉट पुट इन द एफर्ट्स दैट अ पर्टिकुलर प्रोफेशन डिजर्व, देन यू विल प्रोबली नॉट गेट द रिजल्ट दैट यू आर लुकिंग फॉर। तो अगर पास में उतनी अच्छी मेहनत नहीं की थी तो शायद वो रिजल्ट नहीं आए थे, बट द गुड पार्ट इज दैट इफ यू आर पुटिंग इन द एफर्ट्स नाउ यू कैन सी द रिजल्ट, ठीक है। पीपल फ्रॉम बिग टाइम IIMs एंड वेरी वेरी गुड MBA कॉलेजेस कम टू मी एंड टेल मी कि हमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की या मॉडलिंग की जॉब तो मिल रही है, लेकिन वो बैकएंड मिल रही है। Now, here's a candidate sitting in front of us who is telling us कि भाई मैं तो फ्रंट एंड वैल्यूएशन एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब में जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इट्स इट्स अ बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक, द फर्म ही नेम्ड, इट्स अ बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक, बट आई नो द एडवांटेजेस ऑफ बींग इन अ बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक। बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर योर रेफरेंस, फॉर द रेफरेंस ऑफ आर व्यूअर्स, इट इज इट्स इट्स अ टर्म विच इज गिवन टू इन्वेस्टमेंट बैंक्स विच आर नॉट नॉट द बल्ज ब्रैकेट बैंक्स। मतलब अगर आप गोल्डमैन की बात करो तो वो एक बल्ज ब्रैकेट बैंक है जिसका जो बहुत बड़ा बैंक है, ठीक है, जिसमें बहुत बड़ा कैपिटल साइज मैनेज हो रहा है या जिसमें बहुत बड़े ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और बिग टाइम MBAs लीविंग देयर बिग टाइम जॉब्स एंड स्टार्टिंग अ स्मॉल फर्म ऑफ देयर ओन। तो ये थोड़े से छोटे या मिड साइज डील्स को टारगेट करते हैं और इन फर्म्स का बहुत बड़ा एडवांटेज है, यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अगर आप एक बल्ज ब्रैकेट बैंक में रहोगे तो वहाँ पे एम्प्लॉय फोर्स बहुत बड़ा है, मतलब एक एक टीम में 15 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे 3 लोग होंगे, बिकॉज वहाँ पे जो काम वो 15 लोग कर रहे थे यहाँ पे वही काम 3 लोगों को करना पड़ेगा, तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होगा। आई स्टार्टेड माई करियर एट अ प्लेस कॉल्ड RBSA, मतलब डेफिनेटिव वे में, एंड आई एम टेलिंग यू दैट माई लर्निंग्स वर ह्यूमंगस।
व्हेन आई जॉइन दैट टीम, हम लोग वैल्यूएशन में 4 से 5 लोगों की टीम होती थी हमारी गुड़गांव में, एंड देन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में 2 से 3 लोगों की टीम होती थी, और जब कोई काम आता था तो सब कुछ ही अपने हाथ से करने मिलता था, तो इट वॉज ब्रिलियंट लर्निंग, कोई डाउट ही नहीं है इस बात में। तो इट इज़ ऑलवेज एडवांटेजियस टू बी एट द फ्रंट एंड, बिकॉज आई मीन अ कैंडिडेट हु इज सेइंग दैट मैं सी ए नहीं क्लियर कर पाया, मेरे पास मैथ्स नहीं था क्योंकि मेरे को एक मेरे कोचिंग के टाइम हैम्पर होते थे उससे, मतलब एक मेरे गेम का टाइम हैम्पर होता था, एंड दैट कैंडिडेट इन लेट्स से 5 to 7 ईयर्स turns out to be a front end IB guy, it's very inspiring. बहुत बहुत बढ़िया, amazing, amazing. CFA की जर्नी में क्या बदला? CFA में क्या पढ़ रहे थे भाई ऐसा जो पहले नहीं, या बिकॉज मुझे तो लगता है तुम्हारे जैसे कैंडिडेट तो पहले भी ठीक पढ़ रहा होगा, और नहीं पढ़ रहा था तो क्यों नहीं पढ़ रहा था भाई, और CFA में आके क्या चेंज है, या क्या what changed in your personal life? And I'm not looking for a testimonial कि सर आपने बढ़िया कर दिया, honestly that's not the intention. जो what changed at the back end at your end, आपकी personal what do you call efforts wise क्या changes है वो सुनने में बहुत ज़्यादा interested हैं। तो जैसे आपने बोला कि इससे पहले मैंने कभी एफर्ट नहीं दिया था, तो मतलब मैंने और आसपास मेरे काफ़ी सारे लोग हैं जो अच्छी पोजीशंस पे अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरा पहला मोटिवेशन तो यही था कि एक बार ढंग से पढ़ाई कर ही लेनी चाहिए, तब तक मतलब कभी उसमें, चलो पहले मेरे पास एक्सक्यूज था स्पोर्ट्स का, बट अब फिर मैंने देखा एक बार पढ़ाई कर लेनी चाहिए ढंग से, और फिर कोर्स भी इतना इंटरेस्टिंग लगा, मतलब बस यहाँ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट CFA का करिकुलम वाकई बहुत बढ़िया है, और अच्छे से जब मैंने वीडियोस में, बुक से इतना नहीं पढ़ पाता हूँ, मेरे को वीडियो लेसन्स बहुत अच्छे लगते हैं, उसके बाद उसी वीडियो को देख के मैं बुक से पढ़ लेता हूँ, तो एक तो सबसे पहली चीज़ तो यही बदली कि वीडियो लेसन्स आ गए, और मतलब अच्छे टीचर्स मिले, और तो इससे काफ़ी कुछ बदला, और मेरा कोर्स बहुत बढ़िया लगा, और फिर साथ में मोटिवेशन कि अब अगर कुछ अच्छा करना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तो सर बस इस वजह से मैंने अपना एफर्ट ज़्यादा डाला, और इस बार मतलब 100% एफर्ट से CFA की प्रिपरेशन करी, और इंटरेस्टिंग भी था, मेरे इंटरेस्ट की चीज़ लगी मुझे। तो थोड़ा डिटेल में बताओ, व्हेन यू से एफर्ट ज़्यादा डाला तो कितने घंटे पढ़ रहे थे? तो मैंने मतलब लेवल 1 लेवल 2 अलग अलग से बताओ। तो लेवल 1 में तो जब मेरा जो ऑफिस का टाइमिंग था वो 12 to 9 था, तो 12 to 9 के बाद मैंने 9:30 या 10 o'clock बैठ जाता था पढ़ने, और मैं रोज टारगेट करता था कि एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स तो मैं पढ़ू ही पढ़ू। जॉब के साथ 5 घंटा दिन का? हाँ, जॉब के साथ 5 घंटा दिन का, मतलब रोज अगर आप, मेरा 10 बजे ऑफिस खत्म हो रहा है, तो इफेक्टिव स्टडी मतलब जिसके अंदर वाकई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कम से कम मैं 5-6 घंटे तो रोज लेवल 1 में पढ़ता ही पढ़ता था, और क्योंकि मैंने पहले भी इतने ढंग से मेरे बीकॉम और उसमें नॉलेज में गैप्स थे, तो मुझे और कवर करने के लिए और एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ गया उसमें, क्योंकि जो लोग क्या नाम है नॉर्मल भी अगर अच्छे कॉलेज से पढ़ के आएंगे, वो बैलेंस शीट और काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे CFA में रीजनिंग पूछी जाती है कि ये नहीं है कि ये अकाउंट बना दिया, उसका रीज़न बताओ कि ऐसा है क्यों, तो उन चीज़ों को समझने के लिए मुझे कोर्स के अलावा भी जो है काफ़ी एफर्ट डालना पड़ा कि एक्चुअली वो हो क्यों रहे, तो अपने गैप पुराने गैप्स को कवर करने के लिए, तो उसके अंदर मेरा और एफर्ट जाता था, और सैटरडे संडे, ये तो मंडे टू फ्राइडे का हो गया, सैटरडे संडे क्लास तुम्हारी 4.5-4 घंटे होती थी, उसके अलावा 7-8 घंटा और। अच्छा, मेरे को जो लोग कैंडिडेट सुन रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा कि ये मतलब आई हैव मेड यू से दिस कि भाई बोलो इतने घंटे आ रहे हैं, बिकॉज जनरली आई से कि यार जितना एफर्ट्स हो सकता है करो, बट ऑब्वियसली मतलब ट्रस्ट अस गाइस, we are doing better in lives than trying to rig an interview, trust me. आप बोल रहे हो 5 hours per day? Yes sir. तो ये वीकडेज में ही हो गए 25 घंटे, उसके बाद वीकेंड में सेल्फ स्टडी आवर्स गिनूं तो 6 से 8 घंटे एक दिन के। हाँ, मतलब वीडियो में जैसे 4.5-4 घंटे की तो क्लास ही होती है अपनी सैटरडे संडे की लाइव, और उसके अलावा 6-7 घंटे और। ठीक है, तो 6 घंटे पर डे मान लेते हैं, तो 6 into 12 hours वो, और 25 hours ये, तो 30 मतलब 37 hours, मोटा मोटा 35 से 40 घंटे की सेल्फ स्टडी हो रही है, 8 से 10 घंटे का न्यू क्लासेस आ रही है। हाँ सर, इतना तो होता ही था। और ये कितने महीने किया हो? लेवल 1 में 9 months और लेवल 2 में 1 ईयर से थोड़ा ज्यादा। चलो लेवल 1 में 9 months अगर बोल रहे हो तो एक बार वो पकड़ लेते हैं, 40 hours per week, 40 hours per week गिना था ना बनने, 160 hours per month हो गया, ये 9 months में तो 1000 घंटे हो गए यार ऑलमोस्ट।
अब सर मतलब इतना मैंने कैलकुलेशन नहीं करी थी, बट हाँ ऐसे ही करा था डेली डेली बेसिस पे। ओके, वैसे मैं एक बात बोल देता हूँ यहाँ पे, दैट दिस इज ब्रिलियंट. मतलब इफ समवन इज पुटिंग दैट गुड एन एफर्ट्स, तो मतलब रिजल्ट ना फिक्स है फिर उसका, ये मैच फिक्स हो चुका है, ये रिजल्ट एक ही आना है, ये टॉप 10 परसेंटाइल का ही रिजल्ट है. बट मेरे ख्याल से अगर ये डेली के 5 आवर्स ना करके 3 आवर्स टाइप भी हो, मतलब ये जो टोटल 1200 घंटे जा रहे हैं, अगर ये 600, 700, 800 घंटे भी हो ना, तो भी ब्रिलियंट रिजल्ट आएंगे. बट एज ही राइटली सेड कि भाई पुराने गैप्स थे, पुरानी अंडरस्टैंडिंग में कॉन्सेप्चुअल इश्यूज थे, उसे क्लैरिफाई करना था. अगर वो नहीं करता तो आगे कभी भी करियर शेप अप ही नहीं कर पाता. तो यस ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट. और लेवल 2 में आपने कहा 1 साल, ये तो ओवर किल है यार, ये तो इससे कम में हो जाता, तुम्हें नहीं लगता? सब वो अपना अपना, पहली बात अपनी अपनी कैपेबिलिटी की बात है, और लेवल बट ऑन एन एवरेज लेवल 2 पे सर एवरेज मतलब इतना सिलेबस है कि मतलब ऑन एवरेज मुझे नहीं लगता कि कम से कम 1 साल तो प्रिपरेशन चाहिए ही चाहिए, कि साथ में आप जॉब भी, मैं जॉब भी कर रहा था साथ में, तो सर कभी कभी जॉब आप कर रहे हैं, रेगुलर पढ़ाई भी कर रहे हैं, कई बार आप एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं, उन डेज को भी तो आप फैक्टर इन करोगे ना कि अच्छा, आप ओके ओके ओके. तो ये फुल कैपेसिटी थी, इसमें कुछ दिन कोई वीक में नहीं काम कर पाया, हेल्थ ऊपर नीचे, बस वैसे तो ऐसा कोई फैमिली वीक नहीं गैदरिंग होगा में इसी 4 दिन में. से ज्यादा कि मैंने पढ़ाई नहीं करी होगी, बट एन ऑन एन एवरेज मतलब 1 साल पकड़ के अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो आप एक एक साल लेवल 1 में आप तब भी चलो थोड़ा कम कर लो, बट लेवल 2 में तो इतना सिलेबस है कि आपको 1 साल लगा के करना चाहिए आराम से, कि जिसमें बार बार ये हेडेक नहीं रहेगी मेरा अटेम्प्ट आने वाला है, मेरा अटेम्प्ट आने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं लास्ट के 15-20 दिन में सब भूल गए थे हम, या भूल मतलब मेनी मेनी कैंडिडेट्स कम बैक टू मी सेइंग लास्ट 15-20 डेज में लग रहा है कुछ याद ही नहीं है. आपको भी लगता था ऐसा? नहीं ऐसा तो नहीं लगता था मुझे कि मैं सब भूल गया हूँ, बट हाँ मैं इसका जो सोल्यूशन है, जो मैंने भी गलती करी थी लास्ट में, कि आप हमेशा रोलिंग रिवीजन रखो, मतलब मैंने भी ये सोचा था कि इतना कि जब मैं पूरा सिलेबस एक बार खत्म कर लूंगा तो उसके बाद मैं फिर से क्या नाम है रिवाइज करूंगा, बट जैसे ही आप ऐसा करोगे आप पहला सब्जेक्ट भूल जाओगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, तो फिर मैं बस मिड वे थोड़ा मैं इम्प्रूव करके, कि दिसंबर जब मेरे एग्जाम 6 मंथ्स थे तो मैंने 4 सब्जेक्ट रिवाइज कर लिए थे, 4 सब्जेक्ट, तो मेरा ये है कि जैसे आप फर्स्ट सब्जेक्ट एक कंप्लीट करो तो उसके बाद आप सेकंड सब्जेक्ट करने से पहले आप उसका एक बार फिर से रिवीजन करो, जब आपने 2 सब्जेक्ट कर लिए फिर आपने पहले वाला रिवाइज कर लो, अगर आप ऐसे करते चलोगे तो फिर आपका जो ये फियर है ये कम होगा, वरना फिर एंड में तो ये ऑब्वियस बात है कि ये इतना सिलेबस है कि वो 2 महीने में भी रिवाइज नहीं होने वाला। ओके, मैं एक बार और क्लेरिफाई कर देता हूँ. सो रोल बाय रोलिंग रिविजन्स, व्हाट अंबुज मींस इज कि इन जनरल, मतलब दिस एन एडवाइस जो मैं क्लास में बहुत फ्रीक्वेंटली दिया करता हूँ, कि मान लो आपने प्रिपरेशन के लिए 9 मंथ्स का टाइम डिसाइड किया है कि ठीक है जनवरी में बैठा हूँ, लेट्स से नवंबर या अगस्त का अटेम्प्ट दूंगा, या ऐसा कुछ भी, ठीक है ना, जो भी हो आपके माइंड में. बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि शुरू के 5 महीना पढ़ लेता हूँ, 4 महीना या 6 महीने में कोर्स कर लेता हूँ, लास्ट के 2 महीने में रिवाइज कर लूंगा. दिस इज अ सुसाइडल स्ट्रैटेजी, ये बेवकूफ़ी है, ये नहीं वर्क करता. क्यों? बिकॉज जब 5 महीने पढ़ते हैं ना, तो पहले महीने में 1-2 सब्जेक्ट, दूसरे महीने में 1-2 सब्जेक्ट, आखिरी महीने तक 10 सब्जेक्ट हो गए, ग्रेट. जब पहला महीना आता है रिविजन का, तो आप रिवाइज करते हो पहले महीने वाले सब्जेक्ट. अब आज आपको रिवाइज करना है समथिंग विच यू हैड स्टडीड 5 मंथ्स बैक. पढ़ के लगता है हाँ सुना तो था, देखा तो था, आता तो है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है. मतलब दीज आर द थिंग्स दैट हैपन. तो इस वजह से व्हाट आई ऑलवेज एडवाइज दिस, कि आपने कोई टॉपिक कंप्लीट किया, 1 तारीख को उठाया था, 15 तारीख को कंप्लीट कर लिया, लेट्स से 1 जनवरी को पिक किया, 15 जनवरी को टॉपिक डन है, आप इनवेरिएबली अगले 10-15 दिन भले दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस कर लें, बट मे बी 5-7 फरवरी के आसपास दोबारा टच करिए उसको. 15-20 दिन का टाइम हो, दोबारा टच करो, ठीक है ना. एंड कीप दिस हैबिट एज अ पेरिनियल थिंग. मतलब ये सेकेंड, आपने फर्स्ट रिविजन किया 5-7 फरवरी के आसपास, अब इसका सेकेंड रिवीजन करिए लेट्स से 25 फरवरी, 28 फरवरी के आसपास. तो हर 20-25 दिन के अंदर अंदर, 1 महीने से कम का समय होना चाहिए, इतने में आप बार बार उसको टच करते जा रहे हो. भले आप 5 महीना ना लें या 4 महीना ना लें कोर्स कंप्लीट करने में, आप 6 महीना लगा दें, आपको आपने टोटल 7 मंथ्स प्लान किया. आई डोंट वॉन्ट यू टू कंप्लीट ऑल योर कोर्स बाय इन फर्स्ट 4 मंथ्स रादर देन दिस. मतलब 4 कर लिया लेकिन याद कुछ नहीं है, से बहुत बेहतर है कि आप ऐसे ही रोल कर करके पढ़ते जाइए, और 4 महीने के बदले 6 महीने में कोर्स कंप्लीट करिए, लेकिन 6 मंथ के एंड पे ये बोलिए कि सारा सब्जेक्ट, सारा कोर्स कंप्लीट है, इसके साथ साथ एक रिवीजन ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का हो गया, जो बुरे सब्जेक्ट्स हैं, जो मुश्किल सब्जेक्ट हैं, उनके दो दो रिवीजन हो गए, ये परफेक्ट है. अब आपको दुनिया की कोई ताकत फेल नहीं करा सकती, ठीक है.
दैट इज वॉट अम्बुज वॉज रेफरिंग टू. ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया है, अमेजिंग, वेरी वेरी प्रोफेशनल वे ऑफ स्टडिंग ऑनेस्टली. एथिक्स कैसे पढ़ाता दोस्त? ये क्वेश्चन बहुत लोग. अच्छा, बिफोर आई मूव टू एथिक्स, मुझे एक बात बताओ, तुमने बता दिया टोटल 7-8 सौ हज़ार घंटे का हिसाब किताब, सी एफ एन सी उठ के उसमें आता है 300-350 घंटे पढ़ लो. मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं सर क्रैश कोर्सेस में कुछ करा दो या फॉर्मूला वाइज बता दो या ये कर लो, ये वर्क नहीं करता. तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? सर हो ही नहीं सकता, 300 घंटे में तो आप सिलेबस का एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते. मतलब पता नहीं, मतलब मैं उनको क्वेश्चन हो जाएगा यार, ये तो नहीं है एक सब्जेक्ट, मतलब क्या 1000 घंटे 3-4 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे ऐसा? तो 300 घंटे मतलब पता नहीं वो इंस्टीट्यूट कैसे लिखता है, मतलब कोई बहुत क्या, तो उन्होंने पढ़ाई के कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट के हिसाब से लिख दिया होगा. बट अगर कोई बहुत भी इंटेलिजेंट है एग्जाम में, जब तक नॉलेज नहीं होगी तो वो आंसर कैसे करेगा? मतलब आना तो चाहिए ना कि डेरिवेटिव क्या होता है, ऑप्शन फ्यूचर. अगर कोई मतलब सबसे ब्रिलियंट भी है, माइक रॉस भी है, बट तब भी उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो कैसे करेगा? जब तक इन्फॉर्मेशन के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, सिलेबस इतना है. आप देखो 600 पेजेस की एक बुक है, तो आपको वो तो टाइम लगेगा. तो सर मेरे को तो नहीं लगता ऑन एवरेज की 300 घंटे में बिल्कुल हो सकता है. अच्छा, सेकंड बात आपने भी बोला है 500-600 वर्ड्स की एक, 600 पेजेस की एक बुक है, आप ऑब्वियसली सी बुक की बात कर रहे हो. आपको डीमोटिवेटिंग नहीं लगता था 600 बुक कौन बैठ 600 पेज की बुक कौन बैठ के पढ़ेगा या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? आप एक बार अपना डिटेल में स्टडी प्लान बताओगे, आप पूरी सी बुक पढ़ते थे? सर मैंने मतलब मैं आपको बता रहता हूँ कि मैं क्या फॉलो करता था. सबसे पहले तो जो आपकी क्लास होती थी लाइव, जो उसमें सैटरडे संडे लाइव क्लास देखी और ये मेक श्योर करा कि जितने क्वेश्चन है उसमें, मतलब अगर डाउट आ रहा है वहीं रोक के क्लास में पूछ लिया जाए. और उसके बाद फिर वही वीडियो जैसे आप अपलोड कर देते थे अपने उसमें, तो फिर उस वीडियो को रोक रोक के उसमें जो भी आप बोल रहे हैं और जितने भी उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, आपने हाथ से वो नोट्स बनाए उसके अंदर पूरे नोट्स वो कर लिया, वो चैप्टर कंप्लीट हो गया उसके बाद. ठीक है, उसके बाद वो करने के बाद पूरा एक बार फिर रिवाइज करा, एक रेफरेंस बुक जो है आपकी, जो उसको आप यूज करो ये कवर करने के लिए कि आपका कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है. तो और आप श्वेजर वगैरह कुछ पढ़ लेते थे? हाँ सर, उसके बाद उसको मैंने देख लिया कि भाई कुछ छूटा नहीं है. उसके बाद मैंने सी बुक उठाई, सी बुक पूरी तो नहीं पढ़ी, बट क्या नाम है उसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जो ब्लू बॉक्स हैं, वो तो एक एक करे. ब्लू बॉक्स करने के बाद ये उसी करा, और उसके बाद अपने एक एरर लॉग बना. एरर लॉग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है कि अगर आप एरर लॉग नहीं मेंटेन करोगे तो वो आप रिविजन नहीं कर सकते उसमें. तो जो आपने एरर लॉग बनाए, और एरर लॉग बनाने के बाद आप लिखो कि कौन से क्वेश्चंस आपने कर लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में करे, जो आपको समझ नहीं आए अपने अपने हिसाब से, जो उसमें कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा टीचिंग्स हैं कि ये पॉइंट्स हैं कि क्वेश्चन के आंसर से भी आपको काफी सारे पॉइंट्स समझ में आएंगे, वो लिख लो आप. उसके बाद जो पोर्टल पे जाओ, सीएफए पोर्टल पे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो आप. और उसमें क्या होगा, 90% वही क्वेश्चन होंगे जो ईयूसी में, 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं. और उसको करने के बाद आप फिर जब आप पूरा वो कर लोगे, और अल्टरनेटिवली अगर कोई बुक ना भी करे डायरेक्टली पोर्टल कर ले तो भी चलेगा? करे हाँ चल जाएगा, बट उसमें ये है कि टू बॉक्स नहीं होगा ना. अच्छा ओके ओके, आप कह रहे हो पहले ब्लू बॉक्स कर लो सी बुक्स में, उसके बाद पोर्टल में जाके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो फिर करेक्ट. हाँ, कि ब्लू बॉक्स बस एग्जांपल्स नहीं है, ब्लू बॉक्स में ना वो भी है, लर्निंग भी है जो आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगी, तो वो इनकम्प्लीट हो जाएगा जब तक आप वो नहीं करते हो. ठीक है, और अगर आपको ऐसे करना है, क्योंकि जैसे ईओसी जब आप करोगे तो उसमें अलग अलग क्वेश्चंस ना डिजिट्स भी सेम होंगे, तो आप उनको वैसे ही टिक कर दो कि चलो ये मुझे आता है, तो बार बार करने की जरूरत नहीं, उसी समय आप कर रहे हो, बस जो एक्स्ट्रा वाले पॉइंट्स है वो आप देख लो, अच्छा ये क्वेश्चंस रहेगी ये मैं सॉल्व कर दूंगा. फिर आपका जो स्कोर आ जाएगा, कि जैसे सीएफए कहते हैं कि अगर एक चैप्टर में 70% से ऊपर स्कोर आया है, इसका मतलब तो ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. और अगर वो कम आया है तो मतलब थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या मेरा मतलब क्या था, उसको नोट कर लो कि इस चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम है. और ऐसे ही मैंने हर एक चैप्टर के लिए करा, हर सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर के लिए. मोटा मोटा कितने रिविजन हो गए होंगे हर सब्जेक्ट के? 4-5 रिविजन हो गए होंगे हर सब्जेक्ट के? हाँ, लास्ट में तो हो गया, क्योंकि फिर जैसे आपको पहले या दूसरे रिवीजन में तो बड़ा बड़ा टाइम लगेगा, लगेगा यार रेस्ट में कैसे करूंगा. जैसे जैसे आप पहले दूसरे तीसरे ना, उतना आपका टाइम कटता जाता है, क्योंकि आप उतने नोट्स जो है वो फिल्टर करते जाओगे. जैसे आप हाइलाइटर्स का यूज बहुत करोगे, पहले आपने बड़े डिटेल नोट्स बनाए, उसके बाद आप क्या करोगे कि उन्हीं नोट्स को थोड़ा और डिटेलिंग कर दोगे, अब ये मुझे एग्जाम डे पे ये करना है. तो जितना आप काटते चलोगे कि एग्जाम टेपिंग के बहुत रिफाइन कर रखे हैं, आपको पहले ही पता होगा कि पूरा कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट नहीं करना, उस कॉन्सेप्ट रिवीजन तो हो गया, अब बस ये बस दिमाग में आना चाहिए पूरी स्टोरी है,
कि पीछे, तो ऐसे ऐसे करके लास्ट के रिविजन में इतना टाइम नहीं लगता। पहले दो रिविजन में आपको लगेगा कि सिलेबस शायद से कम्प्लीट ही ना हो, बट वो हो जाता है। ओके ओके, एट एन ओवरऑल लेवल आपको अपनी जर्नी में ये चीज नहीं फीलिंग आ रही थी कि ओवर के लिए नहीं हुआ तो क्या ही फायदा है सब कोर्स करने, अगर बहुत एफर्ट जा रहे हैं तो? वो तो सर होता ही है, मतलब वो तो लगता ही है, एग्जाम डे पे भी लगता है कि कितना एफर्ट जा रहे हैं। अब फिर सबसे ज्यादा तो मैंने इसलिए एफर्ट डाला कि अगर ये अटेम्प्ट इस बार नहीं हुआ तो फिर से करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इस बार ही जो हो जाए चाहे अटेम्प्ट ज्यादा टाइम, इसलिए मैंने अटेम्प्ट में हर बार ज्यादा टाइम लिया। लोग 6-6 मंथ्स में भी अटेम्प्ट दे देते हैं और हो भी जाता है लोगों का, मतलब इतने इंटेलिजेंट होते हैं, बट मैं तो नॉर्मल, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट तो मैं हूँ नहीं, तो मुझे तो टाइम भी लगता है, तो इसलिए मैंने पूरा टाइम लिया कि अगर मतलब अटेम्प्ट हो ही जाए फिर से, मतलब नहीं कर सकते इतना के, इसलिए मैंने मतलब ज्यादा प्रिपरेशन की। दिस इज हिज ह्यूमिलिटी दैट ही सेज कि मैं उतना ब्रिलियंट नहीं हूँ, मेरा मुझे तो ज्यादा ही समय लेना चाहिए। ये दिस इज द साइन ऑफ समवन हु हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज। अगर बहुत पढ़ाई करने के बाद, बहुत नॉलेज करने के बाद, बहुत विजडम आने के बाद अगर आप पोलाइट नहीं हो रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ मैंने बहुत पढ़ लिया, मैं बहुत इंटेलिजेंट, मैं तोड़, तो फिर दैट एजुकेशन हैज़ इन टर्न वर्क लाइक अ वेनम फॉर यू, ठीक है ना, वो जहर के समान है। मतलब तो वो नॉलेज ही क्या यार जो आपको एरोगेंट बना रहे, नॉलेज इज नॉलेज इफ इट मेक्स यू मोर हम्बल, इफ इट लेट्स यू थिंक दैट ओके शायद मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है शायद इसको करने का एक और तरीका, तो वेरी वेरी गुड यार, ब्रिलियंट। अच्छा दो तीन और सवाल हैं दोस्त, क्विकली देखते हैं एक बार। ये बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं एथिक्स पढ़ने का क्या सही तरीका है, आपने कैसे पढ़ी थी वो बताओ दोस्त। एथिक्स पढ़ने का तो सर एक ही तरीका है कि आपको सी बुक पूरी पढ़नी पड़ेगी। मैंने किसी और सब्जेक्ट में सी बुक पूरी पूरी नहीं पढ़ी और कोई पढ़ भी नहीं सकता है, मतलब वो तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है। बट हाँ, जहाँ से जो कोई अगर टॉपिक आपका कोई मिसिंग है, नहीं समझ में आ रहा सब कुछ, तो आप सी बुक उठा लो, बट वैसे ब्लू बॉक्स और यूसी मतलब मोर देन एनफ। बाकी एथिक्स के लिए तो लेकिन आपको पूरी पढ़नी ही पड़ेगी एथिक्स, वर्ड बाय वर्ड करना ही एथिक्स पड़ेगा, और उसके बाद भी आपको लग सकता है कि दो तीन करने के बाद भी आपसे नहीं बन रहा, तो एथिक्स तो मतलब क्योंकि ऑल ओवर सब्जेक्टिव चीज ही है, तो एथिक्स में तो अगर आपको सी बुक पढ़नी ही पड़ेगी, कोई टीचर कोई वीडियो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता एथिक्स में, आपको वो खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही आपको वो बैठाना पड़ेगा, तो वो इम्पोर्टेंट है। बट मैं ये बोलूंगा कि जब भी आप रीडिंग कर रहे हो एथिक्स में, पूरी एथिक्स की बुक एक साथ मत पढ़ो, क्योंकि वो अगर आप पूरी पढ़ दोगे ना तो वो मतलब फायदा ही नहीं होगा आपके, वो ब्रेन में नहीं जाएगा, तो आप हल्के हल्के पूरे जो भी आप सब्जेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा आधा घंटा 15 मिनट, किसी दिन सैटरडे संडे में ज्यादा पढ़ लिया, बट हल्के हल्के करते जाओ, और हाइलाइटर्स का यूज जरूर करो कि जो जो आप एथिक्स कर रहे हो जो नॉन इम्पॉर्टेंट है उसे काटते चलो, और जो जो इम्पोर्टेंट है उसे हाईलाइट करते चलो कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, और ऐसे फिर पूरी एथिक्स बुक पढ़ो आप। ओके ओके, मुझ यार मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं, वो मुझे मतलब ऑब्वियसली आई ऑल्सो गिव द सेम एडवाइस, इनफैक्ट बहुत सारे कैंडिडेट्स ये वीडियो को देख के बोलेंगे कि भाई ये तो वही बोल रहे हैं कुछ जी जो करण बोलता है क्लास में, ठीक है ना, बट मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं, वो कहते हैं श्वेजर में इतना कम पेजेस में दिया हुआ है यही ना पढ़ लें, इसमें क्या प्रॉब्लम है? उससे होगा ही नहीं, जब आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी एग्जाम की कोई बात है कि ये इंटेलिजेंस का पेपर तो नहीं है, करिकुलम का पेपर है, करिकुलम के पेपर के अंदर जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी आप कैसे कर लोगे? आप एथिक्स, आपको कितने सारे, जब भी आप एथिक्स का पोर्टल से कोई क्वेश्चन करोगे वो आपको रीजनिंग देगा, आपको पता ही लगेगा कि ये पढ़, ये तो एथिक्स तो था ही नहीं श्वेजर में, तो जब तक आपके पास वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो फिर आप पेपर कैसे करोगे, चाहे आप मतलब दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी हो तो वो नहीं होगा, वो तो करना ही पड़ेगा आपको, वो सी बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसमें इन्फॉर्मेशन चाहिए हर एक स्टैंडर्ड के अंदर, जो पूरा स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा आपको, उसी के बेस पे तो क्वेश्चन आंसर करोगे ना फिर आप। ओके, मैं एक बात बोल देता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें बोली हैं अंकुश ने, मैं अपने 2 मिनट के इनपुट दे देता हूँ। एथिक्स पढ़ने का द बेस्ट वे इज टू रीड सी बुक, मे बी हाफ एन आवर अ डे, 20 मिनट्स अ डे, धीरे धीरे इंक्रीज करके मैक्सिमम 30-35-40 मिनट्स तक चल जाओ, इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं। लेट से इफ दिस अप्रोच डज नॉट वर्क फॉर यू, आप बोलते हो सी बुक पढ़ के समझ ही नहीं आता, तो फॉर अ फर्स्ट टाइमर जस्ट रीड थ्रू सम रेफरेंस बुक, मे बी श्वाइजर, मे बी समथिंग एल्स, वॉट एवर यू स्टडी, वो पढ़ लीजिए। अगर मेरे नोट्स या कहीं क्लासेस ले रहे हैं तो वो नोट्स पढ़ लीजिए, दैट वर्क्स। बट ये पढ़ने के बाद जाके सी बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, एंड देन जब एक दो बार ये वाले रिविजन हो गए, वंस यू हैव सेटल्ड अ लिटिल विद एथिक्स, आपको जब टर्म्स पता हैं, नाम पता हो गए, स्टैंडर्ड्स क्या हैं वो पता हो गए, उसके बाद अगर आप एक बार
पूरा का पूरा सीबुक अपने नजरों से निकाल पाए तो नथिंग लाइक इट। लेवल वन में तो ये चल जाएगा कि निकाल पाए तो नथिंग लाइक इट, नहीं निकला तो चलो ठीक है एग्जाम दे दो, यू शुड स्टिल प्रॉब्ली मेक इट। बट लेवल टू और लेवल थ्री में शायद नथिंग एक्सेप्ट सीबुक वर्क्स। द प्लान और द स्टेटमेंट ऑफ एक्शन इज वेरी वेरी सिंपल। एथिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं पूछेगा, वो लाइट ग्रे और डार्क ग्रे के बीच में पूछता है, ठीक है ना। तो उसमें दो ऑप्शंस के बीच में सेपरेट करके एक करेक्ट ऑप्शन चूज करने में अच्छे भले कैंडिडेट की जान निकल जाती है। सो इफ यू हैव नॉट बीन वेरी थरो, यू विल प्रोबेबली नॉट बी एबल टू फिगर आउट द बेस्ट और द मोस्ट ऑप्टिमल ऑप्शन एंड नेगेट द बैड वंस। आपका ऑड उतना ज्यादा बेटर होता जाएगा जितने आपने एफर्ट्स किए। आपने अगर बहुत अच्छे से सीबुक वगैरह पढ़ रखी है तो आप 10 में से 8 क्वेश्चन ठीक कर देंगे, नहीं पढ़ रखी है तो शायद 10 में से 5 या 6 ठीक कर देंगे, ठीक है ना। तो कोशिश करके अगर पढ़ सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, नहीं तो ऑल्टरनेट ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, मेरे हिसाब से वो सही तरीका होगा। ये तो हो गया सीएफए की जर्नी के बारे में। मोर और लेस तो आपके रिजल्ट्स आई नो क्रॉसिंग 90%, किसिंग 90% हैव बीन द सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स दैट यू हैव गॉटन। एनी पर्टिकुलर एग्जाम डे टिप कि नहीं यार ये नहीं किया होता तो फंस जाता, या लास्ट 10 डेज की anything that I've missed out on asking, आप कुछ भी बताना चाहें CFA के बारे में जो शायद मैं पूछना भूल गया हूँ, happy to listen to that। CFA एग्जाम में ना जैसे आपके इंडियन एग्जाम्स की तरह कुछ भी कोई डिटेल ना ऐसा नहीं कि ये टॉपिक आ गया, जैसे हमने CBSE के पेपर दिए 10th के 12th के ग्रेजुएशन, इसमें आप पूरी बुक पढ़ते हो, कोई टॉपिक आता है कोई टॉपिक नहीं आता, बट CFA करिकुलम आपको कहीं ना कहीं उस टॉपिक पे जरूर टेस्ट कर लेगा। तो आप और आपको पता नहीं कि आना क्या एग्जाम है, तो आप कुछ टॉपिक छोड़ नहीं सकते हो। आप ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कोई टॉपिक छोड़ दो, आपको सब कवर करके लेके जाना है। तो आप और लेकिन एक अच्छी चीज इस क्वेश्चन में क्या है कि जैसे जो लोग कैट का पेपर देते हैं मटेरियल अनलिमिटेड है, आप 10 मतलब आपको हर बुक करनी है, मैथ में कितना है, बट सी बुक की अच्छी बात साथ में ये कि अगर कोर्स इतना ज्यादा है तो वही क्वेश्चन है, वही 2000 क्वेश्चन आपको करने जाना है, आपको बाहर से कुछ नहीं करना, तो एक उसका प्लस पॉइंट भी है कि वही अगर आप अच्छा पॉइंट बोला आपने। मुझे एक बात बताओ, आपने कोई थर्ड पार्टी क्वेश्चन बैंक से कर लिए तो नाम भी ले सकते हैं उनका, दैट्स परफेक्टली फाइन। मतलब ज्यादातर श्वेजर ही यूज करते हैं, तो श्वेजर के अंदर क्या है कि जो आपकी जो उसके क्या कहते हैं चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस हैं वो तो बहुत आसान होते हैं, वो तो आप चैप्टर के साथ ही कर लो। उसके बाद जो मेरा पूरे सिलेबस के 2 या 3 रिविजन हो गए, फिर आप उसकी प्रैक्टिस बुक उठाओ, फर्स्ट सेकंड रिवीजन मत करो, क्योंकि उसके क्वेश्चन मतलब टेस्ट बुक्स आती है, टेस्ट बुक होती है, बट उनको करने का जो वे है कि जैसे आपने एक चैप्टर मतलब 3-4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए और उनके 2-3 रिवीजन हो गए, तो 2-3 रिवीजन से पहले आप मत करना, क्योंकि उसकी जो डिफिकल्टी है ना बिट हाई है, तो आप ना डिमोटिवेट हो जाओगे यार इतना करने के बाद भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे उसमें। तो आप एक सब्जेक्ट उठाओ जो आपके 3-4 रिवीजन हो गया, और जितने भी उस पूरे टेस्ट पेपर हैं उनको एक साथ पूरा मत करो, वही सब्जेक्ट को आप सब कुछ करते एक ही साथ, दोनों में 8 पेपर हैं हर एक सब्जेक्ट के, वो एक साथ कर लो आप, और उसके बाद देखो कि आपका क्या स्कोर आ रहा है। और 70% फॉर क्लैरिटी मैं एक बार दोबारा पूछ रहा हूँ, आप ये बोलना चाह रहे हो कि पूरा का पूरा सब मान लो 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए, तो ये चार सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जैसे श्वेजर में जो टेस्ट पेपर्स दिए हुए हैं उन टेस्ट पेपर्स में से यही 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस निकाल लिए और उन्हीं को अटेम्प्ट कर लिया और उसमें अपना स्कोर मैप कर लिया, ये कहना चाह रहे हो? इंडिविजुअल भी कर सकते हो आप, मैंने इंडिविजुअल करा था, जैसे मैंने डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया, मेरे 4-5 सब्जेक्ट हो गए, मैंने 4-5 बार एक सब्जेक्ट का रिवीजन कर लिया, मैंने डेरिवेटिव उठा लिया, तो साथ में जितने टेस्ट पेपर में डेरिवेटिव के क्वेश्चन है वो सब कर लिए। ओके, मैं इसी को क्लास में स्मॉल मॉक्स कहता हूँ कि मॉक्स मत दो, स्मॉल मॉक्स दे दो कि एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया तो सारे टेस्ट में से सिर्फ डेरिवेटिव के टेस्ट दे दो, देखो स्कोर कितना बन रहा है। ओके, एनीथिंग आउटसाइड ऑफ CFA टेस्ट पेपर, मतलब CFA टेस्ट पेपर्स एंड श्वेजर टेस्ट पेपर्स, कोई और टेस्ट पेपर्स वगैरह करने की रिक्वायरमेंट है, कुछ आता हो? जाने नहीं बचेगी पहली बात तो कुछ करने की, मैं नहीं जानता किसी को कि जिसने इतना कर लिया और उसके अलावा भी कुछ कर ले, इतना ही कर लो बहुत है, इसके बाहर कुछ मतलब यही इसमें से ही आएगा और यही उन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं। मतलब इंस्टीट्यूट की अच्छी बात है कि ऐसा एग्जाम जो है ये कोई इस तरह के क्वेश्चंस कभी नहीं होते हैं कि अरे ये कहाँ से पूछ लिया, ये तो बुक में ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बुक में जो है जो क्वेश्चंस कर रखे अगर आपने वो कर रखे उसी में से आएगा सब कुछ, तो वही जो है अब वही प्रैक्टिस करो बस मोर देन एनफ, अब वही हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। सो लास्ट 2 क्वेश्चंस रहते हैं, हम कुछ दोनों इंटर रिलेटेड है तो एक साथ पूछ रहा हूँ, आप जिस ऑर्डर में जैसा आंसर देना चाहें योर चॉइस। आई रिमेम्बर दैट यू हैड गिवन योर लेवल
two exams in May 2023. Yes, sir. And you got your results in July? July 2023 में आपको रिजल्ट आ गया था आपका, करेक्ट। पहला क्वेश्चन, आपने लेवल 3 इमीडिएटली क्यों नहीं फिल किया? अभी तक आपने लेवल 3 नहीं दिया, एंड एज पर माय नॉलेज यू हैव स्टिल नॉट साइंड अप फॉर लेवल 3। पहला, ये क्यों नहीं दिया? दूसरा, आपका ये जो फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक वाला जॉब है, ये किस तरीके से आपने प्लान किया, या हाउ डिड दिस कल्मिनेट टू बी? अगर ये दोनों क्वेश्चन के आंसर्स आप क्लैरिफाई कर पाए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। पहले तो मैं लेवल 3 जो है वो साथ देना चाहता था, क्योंकि सबका वो है कि एक बार हो गया, लेवल 2 भी हो गया, साथ ही साथ फोकस बना हुआ है, एक साथ कर दो। बट दिस, बाय द वे, दिस वेरी इंडियन वे ऑफ थिंकिंग, कि पेरेंट्स भी कहते हैं कि भाई एक बार में दे के निकाल दो, डेढ़ दो साल में ही। बहुत सारे कैंडिडेट्स को भी चाम होता है ये लिखने का अपने सीवी में कि मैंने 2 साल में या 3 साल में लगातार एग्जाम दे के लेवल 1, 2, 3 क्लियर कर दिया। बट ठीक है, ओके, आपने क्यों नहीं किया था, या आपने क्या किया इसके बदले? मतलब मैं तो आपसे बात करी थी, जितना इन्फॉर्मेशन मिला, और वो बात बिल्कुल सही भी है कि देखो लेवल 2 में जितना इन्फॉर्मेशन है ना, वैल्यूएशन से, सब जिन्होंने भी लेवल 2 क्लियर करा उन्हें पता है कि इट्स ऑल अबाउट वैल्यूएशन। तो जितना फाइनेंस का नॉलेज आपको प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में चाहिए काम करने के लिए, वो लेवल 2 में नॉलेज है। अब उसके बाद मेरी एडवाइस रहेगी कि आप लोग स्किल्स के बारे में एक्वायर करने, क्या तो आपके स्किल्स हैं, जैसे मैं थोड़ा बहुत मेरे को फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन आता था, बट बेटर करने के लिए, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे तो आपकी नॉलेज में गैप्स नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि इन रोल्स में बिल्कुल आपसे पूछ लिया जाएगा एकदम कि ये बताओ, आप बच नहीं सकते हो आप। तो आप, मैंने फिर ये सोचा, जैसे आपसे बात हुई थी कि अपने स्किल्स बेटर करें, तो मैंने मतलब कुछ कोर्सेज हैं अच्छे सोर्सेज से, मैंने वैल्यूएशन मॉडलिंग और अपनी और रिफाइन करी और बेटर करा मैंने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं से भी फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन सीखना ना सही नहीं है, YouTube पे आपको फ्री भी मिलेगा, बट ये मैं बोलूंगा कि आप जब भी कोई वैल्यूएशन मॉडलिंग करो तो आप एक अच्छे सोर्स से करो, और आपको पता लग जाएगा क्योंकि कि डिटेल सोर्स से करो। ऐसे 2 मिनट में फाइनेंशियल मॉडलिंग YouTube पे सिखाना सही नहीं है, वो मिसगाइड करना है और लोगों को ऐसे नहीं। अगर तो आप खुद सोचो, अगर 2 मिनट में मॉडल बन ही जाता तो फिर क्या नाम है, सब लोग ही इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं बन जाते। तो करेक्ट सोर्स से पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडलिंग वैल्यूएशन के लिए। फिर मैंने स्किल्स एक्वायर करी, बेटर करी, और उसके बाद आपके कनेक्ट्स के थ्रू से मैंने फिर ये फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक अपना सीवी भेजा था, तो वहाँ सिलेक्शन हो गया मेरे से। तो तुम्हें तुम्हें ये अच्छा, तुमने एक चीज जो तुमने मेरे हिसाब से भी गलत किया, दैट यू लेफ्ट योर जॉब इन दिसंबर एंड देन यू डिड रिसीव एन ऑफर इन फरवरी। ये नहीं वर्क करता तो क्या करते? वैसे करना तो नहीं चाहिए था। क्योंकि अगर आपके पास उसी की जॉब है, मतलब वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट क्रोर फाइनेंस की जॉब है, आप देखो कि आपके कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत हेल्प भी होगी। अगर आप क्या नाम है ऐसे मतलब करिकुलम पढ़ोगे और आपके पास एक बैकग्राउंड है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको, अच्छा मैं रियल में ऐसा करता हूँ और ये यहाँ पर ऐसे बोल रहे हैं, और तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प होगी। तो जॉब के साथ ही करना चाहिए, और मेरे हिसाब से लेवल 2 के बाद अगर आप वो कोर प्रोफाइल में हो बिल्कुल ही उस समय, तो फिर दे दो आप लेवल 3। बट अगर आप, जितने भी स्टूडेंट्स को लगता है कि लेवल 2 के बाद एकदम एक रेडीमेड जॉब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की अवेलेबल है, तो वो मतलब ऐसा नहीं है, आपको स्किल्स भी चाहिए। उसके बाद आप लेवल 3 करने से पहले ब्रेक लो आप, और ब्रेक इन द सेंस कि एग्जाम देने से ब्रेक लो आप, और स्किल्स एक्वायर करो आप मॉडलिंग वैल्यूएशन की, या फिर अगर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो उस चीज की, जैसे भी हो, मतलब आप स्किल्स करो। उसके बाद मैं एक बार और क्लैरिफाई कर देता हूँ, बिकॉज ये इंटरेक्शन तो अब यूट्यूब पे आप सबके सामने बीच में कर रहे हैं, बट वी हैड अ सिमिलर इंटरेक्शन 6 to 8 months बैक व्हेन आई एडवाइज्ड हिम हाउ टू गो अबाउट इट एंड स्टफ। सो मेरा मानना है कि अगर आप अपने करियर में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो जस्ट इमेजिन अ ग्राफ इन फ्रंट ऑफ यू जिसमें वाई एक्सिस में नॉलेज है और एक्स एक्सिस में स्किल है। नॉलेज एंड स्किल, द मैजिक विल हैपन व्हेन यू हैव ग्रेट नॉलेज एंड ग्रेट स्किल। व्हेन आई एम सेइंग नॉलेज, आई एम referring to formal way of education, ki CA, CFA, CPA, ACCA, MBA, IIM, this, that, wo sab knowledge mein aa gaya. Skill matlab actually kaam karne ki skill. Modeling aati hai, valuation aati hai, real time job mein kiya hua hai kaam ya nahi kiya hua hai.
ये चीजें हैं स्किल। अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडर हैं तो एक हो गया टेक्निकली सीख लिया, फिर रियल टाइम काम किया कि नहीं किया, तो दो एस्पेक्ट्स हैं स्किल के, दो एस्पेक्ट्स हैं, पहला सीखना और उसके बाद रियल लाइफ में अप्लाई करना। मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग थी, मैं अंबुज को और बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये एडवाइस करता हूँ कि यार अगर तुम्हारे लेवल वन लेवल टू क्वालिफाई हो गए और मान लो तुम एक बहुत अच्छी जॉब में हो तो इमीडिएटली लेवल थ्री फिल करो और आगे बढ़ जाओ। बट अगर तुम्हारा लेवल वन हो गया, लेवल टू हो गया, लेवल टू के बाद वैल्यूएशन तो आई गई आपको बहुत अच्छे से, 90% जॉब्स स्पेसिफिकली इन अ प्लेस लाइक दिल्ली बैंगलोर ये वैल्यूएशन की रहती है। लेवल थ्री में तो फोकस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे है ना, तो अनटिल एंड अनलेस आप पोर्टफोलियो मैनेजर नहीं बनना चाह रहे, आप वैल्यूएशन मॉडलिंग इक्विटी रिसर्च ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, तो लेवल थ्री करने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि स्किल एक्वायर कर ले, सो दैट एटलीस्ट यू गेट इन टू अ जॉब। कैंडिडेट्स बहुत बार कहते हैं कि यार लेवल थ्री भी क्लियर हो गया मेरा, जॉब नहीं मिल रही है, या जॉब मिल रही है 5 लाख की। अरे नालायक, नॉलेज है तुझे लेवल 1, 2, 3 तीनों की, और स्किल बोल दे हाँ ये पकड़ो लैपटॉप, ये पकड़ो डब्बा, एक मॉडल बना के दिखाओ, तो उसी समय हाथ रुक जाते हैं, तो कौन बंदा हायर करेगा इसे। तो द करेक्ट वे ऑफ अप्रोचिंग वंस करियर इज कि आपने लेवल 1 लेवल 2 क्वालिफाई कर लिया, अब एक सिंपल सा काम करो, अब बहुत अच्छे से उतनी स्किल्स एक्वायर कर लो कि हाँ जी मैं अगर जॉब लेने जाता हूँ तो आई विल नॉट बी शोन द डोर प्योरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि नॉलेज अच्छी है लेकिन काम कुछ नहीं आता, स्किल जीरो है, ये नहीं होगा। तो आई हैड एडवाइज्ड हिम कि भाई तुम एक बार पहले सीख लो। इसका एक नेगेटिव साइड तो है कि ठीक है तुम्हें लगेगा यार मेरा लेवल 3 नहीं कट कंप्लीट हो जाता, मेरे पास सी एफ ए का चार्टर होल्डर आ जाता, बट यार चार्टर होल्डर आ जाएगा इतनी क्या जल्दी है, अगर हम जॉब में ही नहीं घुस पा रहे तो क्या ओवरऑल सी एफ ए करने का मोटिव लूज नहीं हो गया। इस वजह से आई एडवाइज्ड हिम कि आप एक बार बहुत अच्छे से पहले मॉडलिंग और वैल्यूएशन की स्किल्स को पुख्ता कर लें, जबरदस्त कर लें, स्ट्रॉन्ग कर लें। वंस यू आर सॉलिड इन दैट, गेट इन टू अ जॉब एंड यू हैव टू डू ऑल दिस वाइल बींग इन योर करेंट जॉब। तो ही वॉज इन एस एन पी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई एडवाइज्ड हिम कि एस एन पी की जॉब करते रहो, जो शाम में 4-5 घंटा बैठ के तुम वीडियो कॉल ये पढ़ते थे, सी एफ ए पढ़ते थे, अब उसके बदले मॉडलिंग वैल्यूएशन वगैरह पढ़ो, तुम्हारी चीजें बन जाएंगी। इन हिज केस ही कुड एडहर टू इट फॉर सम टाइम, बट आई मीन एवरीथिंग वॉज नॉट ग्रेट एट हिज जॉब एंड ही हैड टू क्विट फॉर सम पर्सनल रीजन। आई वॉज नॉट इन सिंक विद दैट। जिस दिन इसने मुझे बताया कि मैंने रिजाइन कर दिया, मैंने कहा अरे तुमने सही नहीं किया, बट ठीक है, मतलब कूडोज टू द फैक्ट दैट He still did not have to pay big time for it. मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक जॉब छोड़ दो फिर 4-5 महीने का ब्रेक लेके दोबारा जॉब में जाओ, कोशिश करके नहीं करना चाहिए, थोड़ा स्मूथ ट्रांजिशन रहना चाहिए, समय ज़्यादा ले लो लेकिन जॉब के साथ साथ नई स्किल एक्वायर करते रहो, एंड वंस यू हैव दैट स्किल स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज, स्टार्ट सेंडिंग योर CVs टू द राइट प्लेस। गॉड्स ग्रेस आई हैड अ फ्यू कनेक्ट्स हु कुड help him reach out to the right set of places. I'm genuinely thankful to those. And let's just put it like this, that he had a lot of knowledge basis his CFA education. He had the right skill set basis his past experience of modeling and valuation and then current study of modeling and valuation. See, the only thing that probably, I mean, It's God's grace ki it came through us. Otherwise, वो खुद भी apply करते cold calling करके या cold mails भेज के या naukri.com या LinkedIn पे, तो वहाँ से भी हो जाता। हमारी कोई setting नहीं थी, मतलब it's not like कि the person who did send his CV knew the HR inside, knew the manager inside कि हाँ जी अंबुज को भेज रहे हैं, इसको job दे दो, ऐसा कुछ setting वेटिंग नहीं थी। All that happened was his knowledge was amazing, his skill set was what, his skill set was apt. He landed up at the right place at the right time, and when he was given the technical interviews and the tests, the Excel tests and the modeling tests, he could nail it big time. ये सब कुछ जब हो गया, he landed up with the offer. So practically अब someone else will look at it and say कि करण सर की सेटिंग होगी, कोई सेटिंग नहीं है दोस्त, इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ मैं, ठीक है। Someone will say कि अंबुज की सेटिंग होगी पीछे से कुछ ऐसा वैसा, इतनी सेटिंग होती तो इतने साल कहाँ घस रहा होता बैठ के वो भी, ठीक है, कहाँ इतनी जिंदगी बर्बाद करके धक्के खा के फिर फ्रंट एंड जाता, डे वन पे ही चले जाता। ही स्टार्टेड हिज करियर एट बैक एंड विदाउट मैथ्स, कॉमर्स की जर्नी, CA ड्रॉप आउट, मतलब इट्स अ CV बिल्ट ऑन अ लॉट ऑफ सेटबैक्स, बट इट्स अ CV बिल्ट ऑन ग्रिट, लॉट ऑफ respect, huge respect for you man, huge respect for you, मतलब I'm telling you
and I'm not saying this in a bad way. I could have invited someone with an all 5-star CV. मतलब life में जो किया तोड़ किया ऐसे किसी person को मैं definitely invite कर सकता था to share his experiences and to share how to move forward. But मुझे लगता है उससे बहुत ज़्यादा learning एक ऐसे person से बात करके मिलती है who has done his set of own गलतियाँ, who has struggled just like mortals like me and the people sitting out there listening to you. So it's very, very motivating. Nothing more at my end to ask. If you want any parting thoughts, any closing thoughts, happy to give last 2 minutes to you, or else let's take a close. तो बस मैं ये बोलूँगा कि जितने भी लोग ऐसी पे प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें एफर्ट तो जाते ही है. मतलब ये तो नो डाउट है. आपको और हर किसी बच्चे का एफर्ट डिफरेंट होगा. कोई बच्चा जो है वो बहुत जल्दी कर लेगा, किसी को ज्यादा टाइम लग रहा है. तो ये तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि देखो आपका कितना आप कितने एफर्ट पे आप कर रहे हो. तो इस चीज में तो कि किसी को 300 घंटे लग रहे हैं, किसी को 1200 घंटे लग रहे हैं. अब मतलब जितना है वो तो करना ही पड़ेगा ना. अब जैसा दे रखा है, जिस हिसाब से आपकी लर्निंग हो रही है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते. बट आप जो जितना आपको गिवन है, बस आप क्या नाम है, कोचिंग करो जहाँ से भी आप इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो वो, और उस जहाँ से भी पढ़ रहे हो मतलब वहां पे आप उसको रिलीजियसली फॉलो करो. क्योंकि उसमें दिक्कत क्या है कि आप किसी की आधी बात मान रहे हो और बोल रहे हो मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा. क्या तो पूरी मानो या बिल्कुल मत मानो. आप पूरी उसको रिलीजियसली फॉलो करो और जितने भी चैप्टर्स अच्छे से प्रश्न करो, पेपर क्लियर हो जाएगा. श्योर, ब्रिलियंट. या ब्रिलियंट, वेरी वेरी गुड पार्टिंग थॉट्स कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, अगेन द इंटेंट इज नॉट टू क्रिएट अ वीडियो सीरीज जिसमें आपको ये बोला जा रहा है आप हमसे आगे पढ़ लीजिए, ऐसा कोई इंटेंट नहीं है दोस्त. द इंटेंट इज प्लेन एंड सिंपल टू प्रोवाइड ऑथेंटिक मटेरियल टू यू. मुझे लगता है यूट्यूब में ऑलरेडी बहुत नरेटिव है जहाँ पर बात की जाती है कि कैसे कम एफर्ट्स पे बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट्स आते हैं. मुझे लगा ऐसे कुछ लोगों को आपके सामने लेके आए जिनको देख के आपको लगे कि नहीं, ब्रिलियंट रिजल्ट्स आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज्ड एफर्ट्स के साथ नहीं आते. दैट्स इट एट माई एंड. आई हैव सेड सेम थिंग्स एन नंबर ऑफ टाइम्स इन माई सेशंस ओवर ऑन यूट्यूब. आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट. ठीक है ना. दैट्स इट. थैंक्स अ लॉट अंबुज, थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस of this wonderful discussion. We will bring more such inspiring stories towards you. Thanks a lot for this one. Take care. Bye-bye. All the best, Ambuj. I hope that you clear level 3 with flying colors. Hopefully, one day we will do one more interview with you and you will be sitting out there in New York or Boston or God knows where. You'll be telling ki, haan, main aajkal itne 100 crore ka AUM manage kar raha hun. Itne millions and billions dollars ka ye kar raha hun. I'll be very happy for that. I'll be the most happy person outside of your family. I can promise that. ठीक है ना. चलो एंड आई शुड से दिस, यू आर एक्चुअली फैमिली फॉर मी. तो आई होप दैट यू डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स दैट आई जस्ट स्टेटेड. चलो ठीक है, मिलते हैं. थैंक्स अ लॉट. बाय बाय.